उसे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। अभी नंदा को कोई मार दे, मजाक है क्या? खुद को भगवान? उसे मैं बताऊंगा, कहते किसको है एक शैतान। बहुत वेट कराया लेकिन ये वेट बेकार नहीं जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखो, बहुत शानदार है। एंड अभी से एक लाइक कर दो, 15 के लाइक्स का एम है। एंड कमेंट करके बताओ वीडियो के लिए कितने एक्साइटेड हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो देखा, लास्ट वीडियो में माइकल की मौत के बाद सब कुछ अच्छा सा लगने लग जाता है, लेकिन लास्ट में उसके भाई की एंट्री दिल दहला देती है। अब देखते हैं आगे होगा क्या। खेल खत्म और एक और जीत, लेकिन अब मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी, मैं ईसा के साथ शांति से जीना चाहता। क्रेजी है, जब भी लड़े हर बार जीते, लेकिन अपन तो यही सोचता है वो दिन भी क्या दिन होगा जिस दिन हम लड़ेंगे तो लेकिन जीतेंगे नहीं। फिर तो लोगों के मुंह से ही सिर्फ सुनने को मिलेगा गौरव और विष्णु क्या दोस्त थे। हम चले जाएंगे तो लोगों को कौन बचाएगा, इसीलिए तो कहता हूँ अभी नंदा को कोई मार दे, मजाक है क्या। खैर हम लोग चलते हैं, कभी भी जरूरत पड़े तुरंत आप याद करना और अच्छे से रहना। अब तैयार हो तुम ऐसा एक नई जिंदगी के लिए? हाँ तैयार भी हूँ और खुश भी हूँ हमारे लिए। अब तैयार हो तुम अभिनंदा एक मौत से भी बदतर जिंदगी के लिए? हाँ मैं सिर्फ माइकल का भाई नहीं, गंगा का बेटा भी। अब समझ में आया कि अभिनंदा के सामने मेरे भाई ने गंगा का नाम क्यों लिया था। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। माइकल, मैं और मम्मी पापा, मेरा बाप बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसे गंगा क्यों बनना पड़ा पता है? चल बताता हूँ। अभिनंदा को मारेगा? हाँ? ए, तेरा किसा पटा डायलॉग बहुत सुन लिया है, समझा? टाइम बर्बाद मत कर अभिनंदा, जानता है ना टाइम कितना कीमती होता है, तेरा नहीं हमारा। तेरा टाइम और मेरा डायलॉग पूरा करने का टाइम आ गया है। नहीं, ये कौन आ गया बीच में? बीच में नहीं आई थी अभिनंदा, तूने उनकी जान ली थी, वो तो अपने घर जा रही थी। फिर होना क्या था, एक एक करके सब गए अभिनंदा से बदला लेने और सबको मैं खोता चला गया। सरदार हम लड़ेंगे आपके लिए, कोई लड़े ना लड़े हम लड़ेंगे। पता है उससे पूछो कि गलती किसकी थी, उसका जवाब होगा मेरी माँ की गलती थी। लोग अंधे हो गए हैं उसके प्यार में, उन्हें सही गलत नहीं दिखता। ना जाने कितने बेगुनाहों की जान ली है उसने। मैं आ रहा हूँ अभिनंदा तुझे तेरे कर्मों का फल देने। सांस लहराए क्यों रंग बिखराए यूं जादू तेरा, अब जो तुम आए हो छोड़ के जाओ ना छोटी सी बात। तो ऐसा अब शादी कब करनी है? ना सता
पता है साहब, प्यार तो हजारों को करना आता है, लेकिन निभाना किन्हीं गिने चुनों को। और तुमने निभा दिया अभी नंदा। लोग शायद मुझे मिस करेंगे क्योंकि मैं उन्हें अब नजर नहीं आने वाला। खैर, लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ तुम्हारी फैमिली से कभी नहीं मिल पाया। अपनी फैमिली से तो मिला वैसा। फैमिली इस बारे में बाद में बात करते हैं। ऐसा सुनो तो सही, ऐसा क्या बोल दिया मैं? हो सकता है उसके फैमिली में कोई ना हो, या फिर वो बात नहीं करना चाहती। मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। अभिनंदा को लोग देखते ही डर जाते हैं, इसीलिए वो कभी उससे लड़ ही नहीं पाए। जिसने भी लड़ा उसने टक्कर दिया। जब भी वो हार रहा होता है उसका दोस्त उसका साथ देता है। उसकी इतनी औकात नहीं कि टक्कर वाले से वो अकेला लड़ ले। हम दिखा देंगे हम एक दस के बराबर है। उस अभिनंदा को कुत्ते की मौत मारेंगे। बस यही तो चाहिए। ऐसा, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। अभिनंदा तुम चीजें क्यों नहीं समझते? मैं क्या नहीं समझा ऐसा? हाँ, तुमने ऐसा क्या समझा दिया जो मुझे समझ नहीं आया? ऐसे नहीं होता ऐसा, ऐसे चीजें बिगड़ती है, तुम ये कब समझोगी? आई एम सॉरी अभिनंदा, फैमिली के बारे में कोई कुछ पूछता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, मेरा कोई नहीं है। कोई बात नहीं, आई लव यू ऐसा। अभिनंदा नहीं। क्या लगता है अभिनंदा ईसा को बचा लेगा? वैसे हेलो, मेरा नाम है भेड़िया। ईसा को हाथ लगाकर गलती कर दी, तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। गंगा या माइकल समझा है क्या? जितना लड़ाई से दूर जाता उतना लड़ाई करीब बुलाती है। आज इसे भी दिखा दूंगा कि अभिनंदा डरता नहीं है। अगर एक माँ का दूध पिया है ना तो आजा। तेरी चलो एक बार मेरा निकाल दे तो नाम बदल देना। तू चाह कर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा मेरा, लेकिन मैं चाह करके तेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। जाहिर हो, तोड़ दे साले की शकल। अभिनंदा ने कदम रख दी मतलब जीत उसकी है। ईसा के पास से हट जा वरना तेरी हड्डियां नहीं गिन पाएगा। मार के ले जा, औकात नहीं है क्या? ओ, तेरे पास तो हथियार नहीं है। भाग जा अभिनंदा, भागेगा तो जिंदा रखूंगा इसे, लड़ेगा तो मरेगी ये, क्योंकि मेरे भाई लोग आ रहे हैं। पीछे हटने में ही भलाई है, शायद आज हटूं तो कल ईसा को बचा लूंगा, लेकिन आज लड़ू तो ये पागल लगता है कहीं ईसा को कुछ कर ना दे। ऐसा नामर्द है साला, अपनी प्रेमिका को छोड़कर भाग गया। जाओ ढूंढो उसे, पकड़ कर लाओ, और लोग इसे भगवान भगवान करते हैं। बेचारी प्यार की मारी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, गारू एंड विष्णु को बुलाना ही पड़ेगा। इसे लगता है मैं इससे डरता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था, कैसे लड़ता मैं इतने लोगों से। भाग गया साला सरदार, कहीं नहीं मिल रहा है वो तो। भाई साहब, ख्याल रखना अपना। गारू, तुम दोनों को वापस आना होगा, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कोई फिर से आ चुका है,
हमसे बदला लेने। विष्णु, हमें फिर से अभिनंदा के पास जाना होगा, उसे हमारी जरूरत है। अभिनंदा के पीछे इतने लोग क्यों पड़े हुए हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अभिनंदा को बचाना अब हमारा काम है। चलो आज ही चलते हैं। इस बार खेल खत्म करके आएंगे, चाहे जो भी हो। बाय सा। नहीं, मुझसे मेरी खुशियाँ छीन, मैं आ रहा हूँ तुझसे तेरी जिंदगी छीनने। इस बार वो पुराना अभिनंदन नहीं आएगा, तुझे हर सेकंड तेरी मौत दिखाएगा। ऐसा खत्म, अब उसके आशिक की बारी है। शायद आज के बाद वो बेगुनाहों की जान नहीं ले पाएगा। सरदार, अभिनंदन से तो नफरत हो चुकी है मुझे। साला बेगुनाहों की जान लेता है, और ईसा तो उससे प्यार करती थी ना, उसे छोड़कर कैसे भाग सकता है वो। तो तैयार हो जाओ सारे भड़ास निकालने के लिए, उसे खत्म कर देने के लिए। नहीं नहीं है ये बातें नहीं। ईसा, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, इसीलिए मैं वहां से निकला था। लेकिन एक बात याद रखना, अब अभिनंदा लड़ेगा तुम्हारे लिए हिस्सा, लेकिन लड़ेगा। खून खौल रहा है मेरा, उसे इतनी गंदी मौत दूंगा कि उसकी चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। कोई तो आया, अब तुझे बताऊंगा अभिनंदा क्या चीज है। अभिनंदा, आ गए हम। ऐसा नहीं रहे। ये क्या बोल रहे हो? ये गम मनाने का वक्त नहीं है, गम देने का वक्त है। जिसने मारा है उसको रुलाने का वक्त है। जो हुआ वो सुन के अच्छा नहीं लगा, किसने किया ये? मेरे साथ हो सब बताता, वो कुछ अलग है, उसका नाम भेड़िया है। मैं अपनी ईसा को बचा नहीं सका, लेकिन मारा उसी ने है। अलग है? माइकल से भी ज्यादा खतरनाक है क्या? इसको बहुत घमंड है कि इसे कोई हरा ही नहीं सकता। इसका ये घमंड मैं तोड़ूंगा। चलो, सिर्फ तुम नहीं अभिनंदा, हम सब मिलकर तोड़ेंगे। भेड़िया आ रहे हैं। जापान है, जापान तू, जापान है, जापान तू। मैंने तुम्हें मेरी बहन के बारे में नहीं बताया है। मेरे परिवार में मेरी एक बहन भी थी। अरे सरदार, तो आपने बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा है तो तुम ही को बता देते हैं। लाला, आओ मेरे साथ। सोच, कौन होगी मेरी बहन? सरदार, वो मुझे कैसे पता होगा? जानता है तो उसे? मैं जानता हूँ सरदार। चल मैं ही बता देता हूँ, मेरी बहन ईसा है। ईसा, तो फिर आपने उन्हें क्यों मारा? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था। है कि नहीं भेड़िया? जिसे हम खुद मारना चाहते हैं वो तो खुद हमारे द्वार पे चल के आ गया। एडवांस में हैप्पी एंडिंग अभिनंदा। अरे अभिनंदा बोलो, चल क्यों गुस्सा कर रहे हो? अभी तो सिर्फ ईसा मर गया, तुम मरना तब गुस्सा करना। ऊपर से चुपचाप बैठ जा साले, इस बार तेरा बाप गारू भी आया है। सरदार खतरे में, जल्दी चलो। सरदार को छोड़ दो वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। रिलैक्स मेरे भाइयों, बच्चा है सामने। बच्चे की हमसे फटे तो दोनों बाप को बुला लिया, गारू और विष्णु।
वैसा को क्यों मारा? कौन है तू? माइकल का भाई, गंगा का बेटा। तुझे खुद पे बहुत भरोसा है ना? आजा लड़ते हैं, कोई नहीं आएगा बीच में। तो बात ऐसी है कि अगली पार्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उस पार्ट के लिए आपको 15 के लाइक्स करने हैं एंड 4 के कमेंट्स करने हैं। 4 के कमेंट्स में आप जो मर्जी कमेंट करो, कैसी लगी वीडियो, क्या चाहते हो अगले पार्ट में, सब बताओ। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ जाकर फॉलो कर लो। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग स्टोरी लगाना, मैं सबको मेंशन बैक करने वाला हूँ।